कक्षा 10 में 10 बार फेल हुआ, फिर भी हिम्मत नहीं हारी और 11वीं बार बजा दिया जीत का डंका। उसके पास होते ही पूरे गांव ने मनाया जश्न, ढोल लंगाड़ों के साथ सर पे ताज पहनाकर निकाला जुलूस। कहीं खुशी में आतिशबाजी चल रही थी तो कहीं मिठाइयां बट रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई चुनाव जीत गया हो। कौन है ये लड़का जो 10 बार हारने के बाद भी हिम्मत नहीं हारा और दिखा दिया दुनिया को, देखो मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये तस्वीर देखिए, ये किसी चुनाव का जुलूस नहीं, ना कोई नेता अपनी पार्टी के लिए वोट मांग रहा है, बल्कि ये जश्न कक्षा 10 में पास हुए लड़के के लिए मनाया जा रहा है। ढोल लंगाड़े बज रहे हैं, आतिशबाजी चलाई जा रही है, पूरे गांव में मिठाइयां और प्रसाद बांटा जा रहा है। लेकिन क्यों? आप कहोगे लड़के ने कक्षा 10 ही तो पास किया है, कौन सा IAS बन गया, पूरा गांव ढोल लंगाड़े क्यों पीट रहा है? तो कहानी सुनोगे आप भी हैरान रह जाओगे। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों की बड़ी मशहूर कहावत है कि अखाड़े में पड़े रहोगे तो किसी न किसी दिन पहलवान तो बन ही जाओगे। मतलब ये कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, भले सफलता देर में मिले लेकिन मिलती जरूर है। और ये कहावत इस लड़के ने सच साबित कर दिखाई, क्योंकि वह कक्षा 10 में 10 बार फेल हुआ लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी और 11वीं बार में जीत का डंका बजा दिया। फिर क्या, डंका ऐसा बजा कि सिर्फ घरवाले ही नहीं बल्कि पूरे गांव ने उसके पास होने की खुशी में जश्न मनाया और ढोल लंगाड़ों को लेकर पूरे गांव में जुलूस निकाला, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कहानी शुरू होती है साल 2018 से, जब महाराष्ट्र SSC बोर्ड का ये लड़का कक्षा 10 में था। परीक्षा नजदीक आई, पेपर देने गया, रिजल्ट आया और फेल हो गया। दोबारा फॉर्म डाला, फिर परीक्षा दी और फिर फेल हो गया। और ऐसा एक दो बार नहीं बल्कि 10 बार हुआ, पर लड़के ने हिम्मत नहीं हारी। लेकिन 10वीं कक्षा में फेल हो चुके लड़के के जिद्दी पिता ने अपने बेटे को किसी भी कीमत पर परीक्षा पास कराने का प्रण ले रखा था, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। 11वीं बार उसने फिर से परीक्षा दी, लेकिन इस बार पिता का संकल्प पूरा हो चुका था, मतलब लड़का हाई स्कूल पास कर चुका था। बता दें सोमवार को महाराष्ट्र SSC बोर्ड के नतीजे घोषित हुए, जिसमें बीड जिले के परली तालुका के डावी गांव में रहने वाले कृष्णा पुत्र नामदेव मुंडे ने आखिरकार 11वें प्रयास में सफलता हासिल कर ली। इस बात से न सिर्फ उनका पूरा परिवार बल्कि पूरा गाँव खुश है। कृष्णा के पास होने की खुशी में गांव के लोगों ने ढोल लगाड़ों के साथ जुलूस निकाला। बता दें परली तालुका के डाबी गांव के रहने वाले साइना सोर्प नामदेव मुंडे का बेटा कृष्णा साल 2018 में 10वीं कक्षा में था। वह 2018 की 10वीं परीक्षा में फेल हो गया। तब से लेकर उसने 10 बार बोर्ड एग्जाम दिया, लेकिन हर बार उसे मायूसी हाथ लगती गई। आखिरकार 11वें अटेम्प्ट में उसने सफलता हासिल कर ली। बता दें पिता साइना सोर्प नामदेव मुंडे बेहद ही साधारण घर से हैं। अपना पूरा जीवन अत्यधिक कठिनाई और एक मजदूर के रूप में काम करते हुए बिताया। चाहे कुछ भी हो, वह चाहते थे कि उनका बेटा 10वीं कक्षा पास करे। इसीलिए उन्होंने बेटे कृष्णा को आज तक परीक्षा देते हुए कहा कि अगर तुम फेल भी हो गए तो कोई बात नहीं, जब तक पास नहीं हो जाओ तब तक परीक्षा देते रहो। 10 बार असफल होने के बाद कृष्णा को आखिरकार सोमवार को घोषित हुए 10वें परिणाम में 11वें प्रयास में सफलता मिली गई। इस सफलता से पिता बहुत खुश हुए और खुशी के आंसू नहीं रुक पाए। इतना ही नहीं, पूरा गांव इस सफलता से इतना खुश हुआ कि पूरा गांव कृष्णा को बधाई दे रहा है, मानो उसने कोई बड़ी सफलता हासिल कर ली हो, जिसका वीडियो आज सोशल मीडिया पर पानी की तरह तैर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट।